हरे कृष्णा, आप सभी का स्वागत है आज के हमारे इस वीडियो में। आज का टॉपिक थोड़ा अलग लेने वाला हूँ। आज का टॉपिक है, क्या आपका टैलेंट ही आपका दुश्मन बन सकता है? दुश्मन कैसे बन सकता है टैलेंट? टैलेंटेड लोगों की तो बहुत डिमांड है दुनिया को। बड़ी बड़ी कंपनीज बोल रही है कि टैलेंटेड लोगों की जरूरत है, देश को चलाने के लिए लीडर्स बोल रहे हैं कि टैलेंटेड लोगों की जरूरत है, तो टैलेंट दुश्मन कैसे हो सकता है? क्या कभी आपको लगा कि सिर्फ आपका टैलेंट आपकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर पा रहा? क्या हर टैलेंटेड व्यक्ति को लोग पसंद करते हैं? किसी ने कहा है कि टैलेंट से बेशक आप दुनिया की वाहवाही बटोर सकते हो, बट टैलेंट से हमेशा अपने रिश्तों को नहीं जोड़ सकते। इसलिए अक्सर टैलेंटेड लोग अकेले रह जाते हैं। टैलेंट आपको हेल्प करता है दुनिया से डील करने में, पर अच्छा एटीट्यूड आपको हेल्प करता है आपके अपनों के साथ डील करने में। टैलेंट हेल्प करता है आपके प्रोजेक्ट्स, आपके चीज़ों को अच्छे से हैंडल करने में, पर एक अच्छा एटीट्यूड आपको हेल्प करता है रिलेशनशिप को हैंडल करने में। किसी ने बहुत सुंदर लाइन कही है, योर टैलेंट मोल्ड योर एक्शंस पर योर एटीट्यूड मोल्ड्स योर रिएक्शंस। तो एटीट्यूड बहुत इम्पॉर्टेंट है। टैलेंट भगवान की दी हुई बारिश के समान है, और गुड एटीट्यूड उस खेती के समान है जो किसान करता है। टैलेंट हवा के उस पंप के समान है जो आपके अंदर हवा भर सकता है ईगो की, पर गुड एटीट्यूड एक मीटर के समान है जो हमेशा बता देता है कि कितनी हवा अंदर जानी चाहिए और नहीं, वरना व्यक्ति फट जाएगा। तो आज की इस वीडियो में महाभारत से हमें कुछ लोग इस टॉपिक को समझने में मदद करेंगे। ये है बाहुबली, कर्ण और महान धनुर अर्जुन। भगवान ने अर्जुन को ही क्यों चुना? बिकॉज अर्जुन अपने टैलेंट का बहुत घमंड नहीं करता था जब उसे सक्सेस मिलती थी, ना ही बहुत ज़्यादा लैमेंट करता था जब उसे फेलियर मिलता था। बट वही कर्ण को अपने स्किल्स का बहुत घमंड था, और वो साथ साथ हमेशा लैमेंट करता रहता था कि उसका बर्थ किसी छोटी फैमिली में हुआ है, इन्फीरियर बर्थ हुआ है उसका हमेशा इस बात का लैमेंट करता रहता था, और अपने टैलेंट को शील्ड बना के अपनी इनसिक्योरिटीज को उसके पीछे छुपा के रखता था। हमेशा याद रखना, जब भी हम किसी दूसरे का अपने टैलेंट के बेस पे मजाक उड़ाते हैं, उसको नीचा दिखाते हैं, तो उसके पीछे हमारा नेगेटिव एटीट्यूड होता है। तो अब हम बात करेंगे, क्या सिर्फ टैलेंटेड होना पर्याप्त नहीं है? टैलेंटेड लोगों के साथ दिक्कत ये है कि वो हर चीज़ को परफेक्ट करना चाहते हैं। अगर कोई चीज़ उनके हिसाब से परफेक्ट नहीं हुई, उनको एम्बैरेसमेंट महसूस हुआ या उनको हार का सामना करना पड़ा, तो बहुत ही जल्दी लैमेंट करने लगते हैं, बहुत जल्दी फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं। ये एक दिक्कत है जो हर चीज़ को परफेक्ट करना चाहते हैं, जो परफेक्ट बनना चाहते हैं। जैसे कि दुर्योधन, जब वो पूल में गिर गए थे उसको जमीन समझ के, तो सभी लोग, द्रौपदी वहाँ पे, सभी लोग उसको उनको देख के हंसने लग गए, और ये बात मिस्टर परफेक्शनिस्ट हैंडल नहीं कर सके। वो अपनी फ्रस्ट्रेशन को बिल्कुल भी हैंडल नहीं कर सके कि उसमें लोग हंस रहे हैं, मेरी बेइज्जती हो गई, ऐसा कैसे हो गया यार, मैं तो हर चीज़ परफेक्ट रखता हूँ, मैं गिर गया, सब मेरा मजाक उड़ा रहे हैं। वो बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड होने लगे, बजाय वो इस मूवमेंट को हंस के टाल सकते थे, पर वो बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो गए। कहते हैं एक अच्छा एटीट्यूड उस हवा में उड़ती हुई उस पतंग के समान है जो बहुत ऊपर उड़ रही है, पर डोरी से डिसिप्लिन के साथ जमीन से जुड़ी हुई है। तो जिनका अच्छा एटीट्यूड होता है ना, उनके लाइफ में जब डिसअपॉइंटमेंट्स आते हैं, सेटबैक्स आते हैं, तो उसे एक्सेप्ट करते हैं, वो बहुत ज़्यादा पैनिक नहीं हो जाते। जब महाभारत का युद्ध खत्म हो गया था, तो गंधारी ने भगवान कृष्णा को श्राप दे दिया था, तो भगवान बहुत ज़्यादा पैनिक नहीं हुए, बल्कि उन्होंने ऐसा कृपा इसको एक्सेप्ट किया। तो लाइफ आगे बढ़ सकती है बेशक आपके अंदर टैलेंट की कमी हो,
पर लाइफ बिल्कुल भी आगे नहीं बढ़ेगी, रिश्ते एकदम मुरझा जाएंगे अगर आपका अच्छा एटीट्यूड नहीं है। तो अच्छा एटीट्यूड बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है। हमको कभी उस कठोरता के लिए पसंद नहीं किया जाता जो हमने अपने टैलेंट के बेस पर अपने अंदर पैदा किए, बल्कि लोग हमें पसंद करते हैं, अट्रैक्ट होते हैं हमारी पारोपकारी भावनाओं से जो हमने अच्छे एटीट्यूड से अपने अंदर जन्म दी है। तो क्या यही कारण था कि अर्जुन भगवान कृष्णा से इतना प्रेम करते थे? भगवान कृष्णा के अंदर बहुत अच्छा टैलेंट था कि वो जानते थे अर्जुन को कैसे टीच करना है, कैसे ट्रेन करना है। साथ साथ उनका अच्छा एटीट्यूड, फ्लेक्सिबिलिटी जो कि उन्हें अर्जुन को अलाउ करती थी अपना डिसीजन खुद लेने के लिए। पता है हमें चीज को समझना होगा कि हम परफेक्ट नहीं बन सकते, हर चीज परफेक्ट नहीं हो सकती, कमियां हमेशा रहेंगी और हमें उसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। और एक्सेप्ट करना चाहिए, लोगों के साथ मिलनसार बिहेवियर बनाना चाहिए, अपने कमियों को भी कृतज्ञता के साथ एक्सेप्ट करना चाहिए, भगवान की कृपा समझ के इसको एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। और इस हमें समझना चाहिए कि हम सब कहीं ना कहीं एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट हैं। और इस चीज़ को जब हम समझ लेंगे ना तो हम देखेंगे कि हम दूसरों के साथ अपना अच्छा रिलेशनशिप डेवलप कर पा रहे हैं। बिकॉज हमें पता है कि हर काम मैं नहीं कर सकता, सामने वाला व्यक्ति मुझसे अच्छा है तो क्यों ना मैं उसे सीखूँ, समझूँ, उसके साथ एक अच्छा रिलेशनशिप बनाऊँ, बजाय अपने टैलेंट के बेस पे खुद को ही दूसरों से अलग करके अपनी ही अलग दुनिया बनाने लगूँ, अकेला रहूँ। तो टैलेंट जरूरी है पर अच्छा एटीट्यूड तो बहुत ज़रूरी है और हमें इसको डेवलप करते रहना चाहिए। तो हमने देखा कि अर्जुन को भगवान ने एक्सेप्ट किया बिकॉज उसका अच्छा एटीट्यूड भी था। तो हमें भी इस एटीट्यूड को अपने अंदर डेवलप करना चाहिए ताकि हम अपने आप को और अट्रैक्टिव बना सकें। टैलेंट इज इम्पोर्टेंट बट गुड एटीट्यूड इज मोर इम्पोर्टेंट। तो आज की वीडियो मैं यही समाप्त करूँगा। आज की वीडियो में मैंने बताने का यही प्रयास किया कि हम सब टैलेंटेड होना चाहते हैं, पर टैलेंट के साथ दिक्कत यह है कि जो हम हमेशा हर चीज़ फिर परफेक्ट देखना चाहते हैं, चीज़ें अपने हिसाब से जब नहीं होती तो एम्बैरेसमेंट होता है, लेमेंट बहुत करने लगते हैं, फ्रस्ट्रेशन आती है। यहाँ पे हेल्प करता है गुड एटीट्यूड, अच्छा एटीट्यूड जो आपको हेल्प करता है चीज़ों को एक्सेप्ट करने में और आगे बढ़ने में। दुर्योधन हर चीज़ परफेक्ट चाहता था, करण बहुत ज़्यादा स्किलफुल था, बहुत ज़्यादा टैलेंटेड था, बट दोनों में एक अच्छे एटीट्यूड की कमी के कारण वो अपने आप को आगे बढ़ने से रोकते रहे हमेशा और लोगों की नज़र में इतने अच्छे नहीं थे। वही अर्जुन लाइफ में चैलेंजेस आते थे, सक्सेस मिलती थी तो एक्सेप्ट करता था, घमंड ज़्यादा नहीं करता था, और जब फेलियर मिलते थे तो वो भी एक्सेप्ट करता था, बहुत ज़्यादा लैमेंट नहीं करता था। और यही अच्छा एटीट्यूड चीज़ों के प्रति उसका भगवान को अट्रैक्ट किया। तो हमें भी अपने अंदर ये एटीट्यूड डेवलप करना चाहिए ताकि हम भी भगवान को अट्रैक्ट कर सकें। तो आई होप आज की वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। अगर मुझसे कोई गलती हुई तो प्लीज़ मुझे क्षमा करें, और अगर आपके कोई डाउट है तो आप मुझसे ज़रूर पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा।